केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में देश भर की 10 प्रमुख यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय आम हड़ताल के कारण वेकोली कर्मचारियों, मजदूरों, बैंक कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों और LIC कर्मचारियों ने सोमवार और मंगलवार को तहसील में प्रदर्शन किया। वहीं कुछ जगहों पर रैलियां निकाली गई। इसके कारण तालुका में विभिन्न सरकारी संस्थान आंशिक रूप से बंद रहे, जिसके चलते बैंक, डाकघर या LIC कार्यालय में कोई काम नहीं हुआ है और इसी वजह से हड़ताल दोनों दिन सफल रही, ऐसा यूनियनों का दावा है। वहीं बताया ये भी गया है कि 2 दिवसीय बंद के कारण सैकड़ों करोड़ का नुकसान भी हुआ है। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ द्वारा 28 और 29 मार्च 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। नए श्रम कानूनों को निरस्त करें, पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में लाए, बिजली सुधार बिल को वापस ले, निजीकरण को रोकना, पुरानी पेंशन को लागू करें, 4 श्रम विरोधी श्रम संहिता को निरस्त करें, रिक्तियों को तुरंत भरें, नियोक्ताओं और श्रम विरोधी कानूनों को निरस्त करें, रोजगार ठेका तत्काल बंद करने समेत आदि मांगों को लेकर कार्रवाई समिति ने हड़ताल की। इस दौरान देश में चल रहे निजीकरण ठेके का जमकर विरोध किया गया। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।